गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो अब देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा था ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया था फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मीन एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स, सेटिस्फेक्शन दैट आर ऑफर टू यूजर्स और वी कैन से कस्टमर्स, है ना, कि कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी बेनिफिट जो ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स को कि वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज इन द कंट्री डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कैसे फाइनेंशियल सिस्टम, कि फाइनेंशियल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इन सर्विसेज से ही पता चलती है। तो ये जो सर्विसेज हैं वो टू टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो होती है एसेट और फंड बेस्ड सर्विसेज, है ना, एक होती है फ़ी बेस्ड सर्विसेज कि जिसके बदले में कुछ चार्ज दिया जाता है, जिसको हम एडवाइजरी सर्विसेज भी कहते हैं। तो जो फाइनेंशियल कंपनी है या जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है वो कुछ अपने कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए वो सर्विसेज क्या हैं। जैसे फर्स्ट आपको बताया एसेट बेस्ड और फंड बेस्ड एक्टिविटीज़, उसमें सबसे पहले सर्विसेज है इक्विपमेंट और लीजिंग, इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग, जो आपने पढ़ी भी होगी कि जैसे हम एसेट को परचेज करते हैं तो अगर वो बहुत कॉस्टली है, करोड़ों में है, लाखों में है, अरबों में है, तो उसको परचेज करना पॉसिबल नहीं होता। फिर उसका जो ऑनर है, इक्विपमेंट का ऑनर या जो मैन्युफैक्चरर है, वो राइट दे देता है कई बार कंपनी को कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बदले में वो क्या लेता है? रेंट लेता है। इसी को हम कहते हैं लीजिंग। तो देखिए, अ लीज ट्रांजेक्शन इज़ अ कमर्शियल अरेंजमेंट वेयर एन इक्विपमेंट ऑनर, जो इक्विपमेंट का ऑनर है ये जो मैन्युफैक्चरर है, गिव्स अ राइट देता है टू यूज़ द इक्विपमेंट इन रिटर्न अ रेंटल, कि उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है फाइनेंशियल लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। जो फाइनेंशियल लीज है उसमें जो लेजर है, लेजर हो गया ऑनर, है ना, वो ट्रांसफ़र कर देता है रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ऑनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेजी, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही वो ट्रांसफ़र कर देता है किसको? लीजी को, जबकि टाइटल उसके पास ही रहता है, टाइटल रिमेंस विद द ऑनर, ऑनर वो रहेगा लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्क होता है वो किसको दे देता है? वो लीजी को दे देता है। और जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ये लेजर के पास ही रहता है, है ना, लीजी को सिर्फ आप जो है वो रेंट पे करना होता है। तो जो ऑपरेटिंग लीज है वो शॉर्ट टर्म लीज होती है, जो फाइनेंशियल लीज होती है वो लॉन्ग टर्म लीज होती है। तो इस तरह से भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड इज़ हायर परचेज और कंज्यूमर क्रेडिट, ये भी आपने पढ़ा होगा हायर परचेज सिस्टम, कि जिसमें कंज्यूमर्स को जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर प्रोवाइड की जाती हैं, है ना, जिसमें उनको इंस्टॉलमेंट पर। हायर परचेज मीन्स अ ट्रांजेक्शन वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द बायर ऑन द टर्म्स दैट ही विल मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, है ना। आप कहेंगे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? लीज फाइनेंसिंग में, लीज फाइनेंसिंग में गुड्स को बेचा नहीं जा रहा, रेंट पर दिया जा रहा है, जबकि हायर परचेज में जो है वो गुड्स को सेल किया जा रहा है, बट उसमें कस्टमर को ऑप्शन दी जा रही है कि वो जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, तो क्रेडिट बेस पर गुड्स को सेल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए थर्ड आता है वेंचर कैपिटल, ये न्यू टाइप का एक जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर जो है वो कोई अपनी कंपनी तो एस्टेब्लिश करना चाहता है, कंपनी तो बनाना चाहता है, फॉर्मुलेट करना चाहता है, बट लैक ऑफ कैपिटल की वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो वो सपोज़ जो है वो इतना रिस्क नहीं ले सकता या उसके पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो फिर बैंक पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो इस कैपिटल को, जिसमें कि रिस्क भी कौन बियर कर रहे हैं? बैंक, उसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। तो अ न्यू टाइप ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर एमर्ज इन लेट 1960 हू स्पेशलिटी वॉज टू कम्बाइन रिस्क कैपिटल विद द एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट, कि एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट के साथ रिस्क कैपिटल को भी मैनेज करते हैं। दे ऑल्सो यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट एंड कंपनी इन द मार्केट प्लेस, कि मार्केट प्लेस में नए प्रोडक्ट या न्यू कंपनी अगर लगानी है तो उसके लिए ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना। इट मीन्स द टर्म वेंचर कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट इन हाईली रिस्की प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आपके पास सपोज 2 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ रुपए हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना, लेकिन बैंक इस तरह का रिस्क ले लेते हैं और कैपिटल को या जो है प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद वो ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना रिस्क है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसने उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, है ना। तो रिस्की जो एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पर
इन्वेस्टमेंट जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था और अब इंडिया में भी बहुत सारे बैंक हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट बनते हैं और इस तरह से वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है बिल डिस्काउंटिंग। ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं या जैसे बैंक हैं वो जो है वो बिल को डिस्काउंट करते हैं, है ना। जो बिल ड्रॉअर ने लिखा, मतलब जो सेलर है वो ड्रॉअर है, उसने लिखा, और जो ड्रॉई है वो कौन है, परचेजर है। उसने गुड्स डिलीवर की टू द बायर, बायर ने उस बिल पे साइन किया और सेलर को दे दिया कि आई विल मेक पेमेंट आफ्टर सम टाइम, है ना। तो वो जो सेलर है उसको पेमेंट अभी चाहिए, उसको उसका अमाउंट अभी चाहिए, तो वो बैंक से जाकर उसको डिस्काउंट करा सकता है। बैंक उसमें से कुछ अमाउंट काट कर वो अमाउंट की पेमेंट सेलर को कर देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे कलेक्ट विद द बायर, वो बायर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो है वो ये स्कीम भी इंडिया में शुरू हो चुकी है कि बैंक परचेजेस द बिल, बैंक परचेज कर लेते हैं इस तरह के बिल को ऑन डिमांड फ्रॉम द मेकर, एंड क्रेडिट हिज अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ बिल लेस डिस्काउंट। तो बैंक को बेनिफिट ये होता है कि वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो बैंक की इनकम हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस, है ना। हाउसिंग फाइनेंस भी इंडिया में बहुत स्कोप है कि घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो 1988 में RBI ने एक नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टेब्लिश किया था जिसका मेन काम ही यही था कि हाउस बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करना, है ना। तो इंडिया में इसका बहुत स्कोप है और हाउसिंग के लिए लोन की सप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस सर्विसेज, कि इंश्योरेंस क्या है। इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, वेयर द इंश्योरर गिव्स एन एश्योरेंस टू द पर्सन टू पे हिम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल प्रीमियम अगेंस्ट ए स्पेसिफाइड रिस्क सच एज फायर, और कॉम्पनसेट द बेनिफिशरी ऑन स्पेसिफाइड इवेंट सच एज एक्सीडेंट और डेथ। तो इंश्योरेंस क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, कि जिसका बीमा हुआ और जिसने किया उसके बीच में, कि अगर उसको जिसका लॉस होता है, जिसका भी इंश्योरेंस उसने कराया अपनी लाइफ का कराया, तो अगर उसकी डेथ होती है या किसी एसेट का कराया, तो एसेट को अगर कोई लॉस होता है तो उसके बदले में कुछ अमाउंट वो उनको पे करेंगे, है ना, इस चीज़ का इंश्योरेंस देते हैं। तो दो तरह की इंश्योरेंस सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो है लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। जिसमें लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है 1999 तक LIC और GIC, और इसकी 4 सब्सिडीज थी जो काम कर रही थी, बट 1999 के बाद ये सेक्टर प्राइवेट के लिए भी ओपन कर दिया गया है, है ना। IRDA ने ओपन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर दिया है, बट वो इसको मॉनिटर करता है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये भी एक सर्विस है जो कि कंपनी बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग। अब देखिए फैक्टरिंग क्या है, जैसे हमने पढ़ा था बिल लिखे जाते हैं, अगर क्रेडिट सेल की जा रही है कि सेलर जो है वो बिल को लिखता है, ड्रॉअर है, परचेजर बिल को एक्सेप्ट करता है, है ना। तो सपोज़ एक जो बिजनेसमैन है वो दिन में पता नहीं कितने ही बिल लिखता होगा, बहुत सारे बिल लिखे जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जो सेलर है उसके पास टाइम की कमी होती है कि वो कलेक्शन करे जाकर, है ना। जब कलेक्शन का टाइम आया तो किसी दिन किसी का बिल कलेक्ट करना है, किसी दिन किसी का करना है, तो वो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई बार इस फाइनेंशियल सेक्टर को दे देता है कि आप इन बिल्स की कलेक्शन कीजिए और उसके बदले में उनको जो चार्जेस होते हैं वो पे कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये फैक्टर क्या है, सेलर मे मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू कलेक्ट रिसीवेबल, कि वो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए, अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, और दे मे हैंड ओवर द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रिसीवेबल टू ए स्पेशलाइज्ड कलेक्शन एजेंसी, या इस काम को वो स्पेशलाइज्ड कलेक्शन एजेंसी को भी सौंप देते हैं। इसी एजेंसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर, और इसी सर्विस को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग क्या है, एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फाइनेंशियल रिसीवर एज वेल एज फैसिलिटी ऑफ कलेक्शन रिसीवेबल। तो ये जो फैक्टरिंग है वो क्या है, एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें बिजनेसमैन को ये सर्विस दी जाती है कि अगर उनके पास जो है वो टाइम की कमी है, या अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना चाहते हैं कि जितने भी उनके एक तरह से क्रेडिटर हैं, सॉरी डेटर हैं, देनदार हैं, उनसे वो जाकर वो अमाउंट ले सकते हैं, है ना। तो उनको टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि किस पर्सन से किस दिन क्या कलेक्शन करनी है, उसके अकॉर्डिंग वो कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज थी जो क्या थी, एसेट बेस्ड
इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी आती है फ़ी बेस्ड सर्विसेज। फ़ी बेस्ड जिसके बदले में कुछ फीस ली जाती है ना, चार्जेस लिए जाते हैं। उससे पहली सर्विस आती है मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंकिंग। अब कुछ मर्चेंट बैंक जिसको हम एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउसेज भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा जाता है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बैंक, इंग्लैंड में एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउसेज कहा जाता है, तो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है किसी कंपनी ने, कोई नया वेंचर एस्टेब्लिश करना है, कोई नई कंपनी बनानी है, तो उसके बारे में ये जो मर्चेंट बैंक हैं ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ये जैसे कोई न्यू शेयर्स इशू करने हैं, है ना, इनको इशू हाउसेज भी कहा जाता है, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेते हैं कि सारे काम ये करेंगे इशू करने से रिलेटेड, और उसके बदले में ये कुछ चार्ज लेते हैं, तभी इनको फ़ी बेस्ड कहा जाता है। तो इंडिया में 1967 में मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट हुई थी व्हेन ग्रिंडले बैंक रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई से ग्रिंडले बैंक ने लाइसेंस लिया था। एसबीआई ने सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट की थी 1972 में। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, लाइक ICICI ने और IFCI ने, सब ने ही मर्चेंट बैंकिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो ये बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए ही, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को करते हैं। सेकंड देखो, सेकंड सर्विस आती है स्टॉक ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विस, कि जैसे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स का क्या काम है कि आप शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं, कोई शेयर को बेचना चाहता है, तो ये उन दोनों के बीच के मिडल मैन हो जाते हैं, है ना। तो एक तरह की प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विस होती है ये, बट ये जो स्टॉक ब्रोकर हैं ये लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास। तो सेबी वो सेटअप बाय गवर्नमेंट इन 1991 में ये सेटअप हुआ था, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद जो स्टॉक ब्रोकिंग है वो एक प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विस बन गई। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, है ना, जो डील करता है सिक्योरिटी में, परचेज करवाता है और सेल करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसे बताया दोनों के बीच का मिडल मैन होता है। तो स्टॉक ब्रोकर को अपने आप को ही खुद ही रजिस्टर्ड कराना होता है सेबी के पास। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो ब्रोकर्स के काम से रिलेटेड हैं, उसको वो ध्यान में रखनी होती हैं, है ना। तो ब्रोकर इसके बदले में क्या लेता है उनसे, कमीशन फॉर सेलिंग और परचेजिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है, ग्रेडिंग सर्विस है इन्वेस्टर्स को जो प्रोवाइड की जाती है, विच हेल्प देम इन रिड्यूसिंग देयर रिस्क। जैसे आप सोच रहे हैं कि ABC कंपनी है, वहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें, है ना, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कई एजेंसी हैं, क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, ये जो कंपनीज हैं वो कंपनी को उनके उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको कुछ रेटिंग देती हैं, ग्रेडिंग देती हैं, ग्रेड ABC या A+, A++, इस तरह से, जिसके बिहाफ पर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना है, उस कंपनी की आज की डेट में क्या रेपुटेशन है, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग में भी कंसिडर्ड एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। इसको साइंस भी माना जा सकता है और आर्ट भी। साइंस क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच। इसके पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू एनालाइज द स्टेटिस्टिक्स विद गिवन फार्मूलाज, कि उसको किस तरह से आपने एनालाइज करना है। और आर्ट है बिकॉज देर आर टू मैनी वेरिएबल टू बी जज्ड, कि बहुत सारे वेरिएबल हैं जिसको जज किया जाता है, है ना। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये भी एक सर्विस है, ग्रेडिंग सर्विस है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और आजकल तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो इस तरह की रेटिंग करा रही हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, मोस्टली जो अच्छी कंपनी है, रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी क्रेडिट रेटिंग इनके द्वारा करवाती हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाए इन्वेस्ट करने से पहले, कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इमेज है उसके बारे में। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। अब आप इसको पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना।